साथियों का मैथ्स फॉर एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन यानी कि सीबीएसई में टीचर्स ट्रेनिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करने में काफी साथियों को जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से आप फॉलो करके उसको प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन फिर भी काफी साथियों के फिर भी मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ पर नीड टू परमिशन लिखा हुआ रहा है कि आपके पास में उसको करने के लिए परमिशन नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो रही है कि जो आपका गूगल क्रोम है उसके अंदर जो आपकी जीमेल आईडी है, वो जीमेल आईडी आपकी कौन सी लॉगिन हुई है ऑलरेडी, वहां पर जीमेल आईडी आपकी लॉगिन है, आपकी जो पर्सनल आईडी है वो वहां पर लॉगिन है। और यहाँ पर लॉगिन जो आपकी पर्सनल आईडी है, तो उसके लिए आपके लिए जो सीबीएसई ने रजिस्ट्रेशन के लिए वो परमिशन नहीं दी है, तो इसलिए वहां पर वो नीड टू परमिशन की प्रॉब्लम आ रही है। अब उसको सॉल्व कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप अपनी जीमेल आईडी में जाएंगे, यानी कि जीमेल जो अकाउंट है आपका उस पर आप जाएंगे, यानी कि जीमेल पर क्लिक करेंगे। जीमेल पर क्लिक करते ही आपके सामने राइट साइड में वहां पर एक सर्कल आएगा, उसमें या तो आपका नाम लिखा होगा या नेम का पहला लेटर वहां पर लिखा होगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपके पास में आएगा एड टू अनदर अकाउंट वहां पर लिखा हुआ आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर आपने वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके पास में न्यू जीमेल आईडी के लिए मांगेगा। अब वहां पर वहां बहुत से साथी हमारे क्या कर रहे हैं कि क्रिएट न्यू अकाउंट करें, तो क्रिएट न्यू अकाउंट आपने नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी सीबीएसई आपको आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। और जो आपको कहां से मिलेगा, आपके स्कूल के माध्यम से आपको वो यानी कि आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट नहीं करना है, आपको यहाँ पर साइन इन करना है, यानी कि साइन अप नहीं करना है, साइन इन करना है, यानी कि लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए आपको आईडी और पासवर्ड आपके स्कूल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो वो आईडी आप डालेंगे, आईडी डालने के बाद में आईडी कैसी है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 102135 इस तरीके से @cbsedigitaledu.in इस तरीके की आपकी आईडी होगी। फिर उसके बाद में COED ये इस तरीके से आपका एक पासवर्ड है, वो पासवर्ड आप डालेंगे। तो डालने के बाद में आईडी डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद में आपसे मांगेगा क्रिएट न्यू पासवर्ड में आपने क्या करना है, आपने अपना कोई भी न्यू पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेना है। न्यू क्रिएट करने के बाद में आप से कंफर्मेशन मांगा जाएगा, फिर आप कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका यानी कि वेलकम फोल्डर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप एक्सेस करेंगे तो आपका जो जीमेल होगा उसमें वो जो आईडी आपने लॉगिन की है वो आपकी लॉगिन हो जाएगी। उसे लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद में सिनर्जिक अगर नहीं हुआ है तो वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उसको सिनर्जिक कीजिए। तो वहां पर करने के बाद में फिर आपने वापिस से जो लिंक आपको दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है, जो सीबीएसई की तरफ से लॉगिन यानी कि रजिस्ट्रेशन लॉगिन के लिए जो दिया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नहीं है वो लिंक तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डालूंगा, और इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उसके भी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डाला हुआ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर वहां पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा जो सीबीएसई ने बनाकर आपको दिया हुआ है। तो उसमें आप वहां पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी वहां पर आईडी वो एक्सेस होनी शुरू हो जाएगी, जो आपकी नीड टू प्रॉब्लम आ रही वो वहां पर बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। उसके बाद में आपका उसमें पार्टिसिपेंट का नाम लिखा हुआ है, नाम बताना है। फिर उसके बाद में ईमेल आईडी जो लिखनी है, वो ईमेल आईडी जो आपको सीबीएसई की तरफ से दी गई है वो ईमेल आईडी वहां पर आपने डालनी है। उसके बाद में आपका स्कूल का नाम है, फिर एप्लीकेशन नंबर है स्कूल का, फिर आपको यानी कि स्कूल कोड है वो डालना है, और इसके बाद में आप COE यानी कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस में कौन से में
आते हैं तो वो आपको डालना है, उसके बाद में आपने डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, और स्टेट के बाद में आपने यानी कि वहां पर देश का नाम डालना है, कंट्री का नाम डालना है, और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे तो आपके सामने फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि सभी साथियों का और भी बेनिफिट हो सके। तो सभी साथियों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।